सलामुअलैकुम, आपका नाम क्या है? हसमुद्दीन अंसारी। किस काम में जा रहे हैं हसमुद्दीन भाई? टेलर में। टेलर में? कौन से टेलर में? बुर्का का टेलर में। नहीं, लेडीज टेलर में जा रहे हैं? लेडीज टेलर में। और टेलर में नहीं जा रहे हैं आप, मास्टर टेलर में जा रहे हैं? किस में जा रहे हैं? टेलर मास्टर में। हाँ, कटिंग वगैरह सब कुछ आपका आता है। सऊदी में कितने साल आपने बताया था काम किया? सात साल सऊदी में एज ए मास्टर टेलर किया था। हाँ, ठीक है। आपकी सैलरी कितनी लगी है? 180 BD। 180 BD, ठीक है, ओके। ड्यूटी आवर कितना है आपका? 8 घंटे। 8 से 9 घंटा है, ठीक है। कितना? 8 घंटा। हाँ चलिए, 8 घंटा, 8 से 9 घंटा है, मतलब 8 घंटा मान लीजिए। और आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, जानते हैं ना? हाँ, 2 साल से पहले आएंगे तो सारा एक्सपेंस, टिकट का, कंपनी के वीजा का, CPR का, बताका का, सब कुछ आपको भर के आना होगा। 2 साल से पहले आते हैं, किसी भी वजह से आप आए, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर पता, कहीं भी जाते हैं 2 साल से पहले, क्योंकि जो वीजा दी है, टिकट दी है, सब कुछ आपको पे करके आना पड़ेगा, कोई अपना नुकसान नहीं चाहता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज आपकी हो गई, काम नहीं आया तो किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपने बताया हम मास्टर टेलर में, कंपनी के सामने आपको रख दिया, आपने इंटरव्यू दिया, कंपनी ने आपको ले लिया, कंपनी ने पूछा आपने अपने ये कंपनी बाकायदा कपड़ा उपड़ा भेजा होगा आपको, आपने ये काम किया, आपने बोला हमने किया, यही हो गया सच्चाई? तो आपने बोला हाँ मैंने ये सब काम किया है, तो आपने बोला, अब काम बाई चांस आपको नहीं आता तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसी ना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाई, ठीक है, सही बात, ओके। और क्या हो गया, आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला था, कांटेक्ट कैसे किया था आपने, सच्चाई बताइएगा? साजिद दिया था। साजिद ने आपको हमारा नंबर दिया था, गुजरात वाला। ओके, तो साजिद भाई ने क्या बताया था हम लोग के बारे में? ऐसे तो आपको तैयार नहीं हो जाता? बताया था नहीं, नंबर दिया था। हाँ। नंबर देकर बोला कि आप फोन करके बात करो। ओके, तो मैं फोन किया था। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह आज आपकी फ्लाइट है, आज तारीख कितनी? 8 तारीख है। 8 तारीख, इंशाल्लाह फिर पहुंच जाइए, और जैसा होगा हमें इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा, जरूर करें पहुंचने के बाद, ठीक है। हम कंपनी में भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप आ जाएंगे, ऐसे कंपनी ने ही टिकट प्रोवाइड करने के लिए, हाँ कंपनी ने ही टिकट प्रोवाइड किया तो उनको सब कुछ पता है, ठीक है, ठीक है, ओके। किस मैन पावर से जा रहे हैं आप? जहरा मैन पावर। आप हमसे बिना मिले आपका काम हुआ है? नहीं, आप हमसे मिले थे एक बार? नहीं नहीं मिले नहीं। जो भी पैसा वैसा है सब आप 1-2 महीना पहले में भेज दिए थे भरोसा करके, तो खाली वीजा भी शायद नहीं मिला था, या मिला था मुझे नहीं पता, याद है वीजा नहीं मिला था, उससे 2 महीना पहले ही सारा सर्विस चार्ज आपने एक ही बार में भेज दिया था उसके, जबकि आप जा रहे हैं 2 महीने बाद, टिकट हुआ, इमिग्रेशन हुआ, वो सब होने में काफी टाइम लग गया, मगर आपने भरोसा करके आपने 2.5-3 महीना पहले में पैसा भेज दिया था, और आपको मेडिकल कराया हुआ आज करीब करीब 4 महीना पूरा हो चुका है। 4 महीना होने जा रहा, 4 महीना पूरा हो गया, चाहिए ना, आपने भरोसा किया था, नहीं तो ऐसे कोई पूरा पेमेंट लेने के बाद भेजता नहीं है। सही बात है, सही बात है ना, आप हमें नहीं जानते थे, आप गुजरात में बैठे थे, हम लखनऊ में से बोल रहे थे, जरा मैन पावर, मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे, ठीक है, चलिए।